हेलो एंड वेलकम बैक टू टाइवर्स स्नेक चैनल। मैं हूं निखिल और गाइस ये है सेकंड पार्ट ऑफ द फनी रोबोट टॉय रिस्टोरेशन वीडियो। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट में मैंने दिखाया था कि रोबोट टॉय मुझे कैसे मिला था, कहां मिला था और इसे रिस्टोरेशन की ज़रूरत क्यों है। और उसके बाद हमने देखा है इस रोबोट टॉय को ओपन करने के बाद मैंने दिखाया था ये रोबोट टॉय कैसे वर्क करता है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है और इसके अंदर क्या क्या इश्यूज है। सो दैट्स ऑल, ये सब कुछ था फर्स्ट पार्ट में। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ जाके वो फर्स्ट पार्ट भी देखिए। और इसी के साथ अब टाइम होता है सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने का। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज पिछले वीडियो में हमने इस रोबोट टॉय को जब ओपन किया था तो ये सारे पार्ट्स जो है सामने आपके ये हमें देखने को मिले। और फिर उसमें से हमें मिले ये दो लेग पीसेस और ये मेन बॉडी सेपरेट हुई थी। और उसके बाद जो है ये पूरी असेंबली जो है ये इस बॉडी के अंदर फिक्स्ड है और जिसे आज हम ओपन करेंगे। और इसे ओपन करने से पहले मैं इन दोनों लेग्स को अभी ओपन करूंगा और देखते हैं इसके अंदर कोई क्या खराबी है या इसे क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो इसे क्लीन करेंगे अच्छे से और इसे फिर से असेंबल कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। सो ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसे अच्छे से देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इनके गियर्स जो है वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, कोई भी खराबी नहीं दिख रही है मुझे उनमें और ये प्रॉपरली क्लीन भी है। तो मुझे लगता है सिर्फ इनके जो ये व्हील वाला पार्ट है इसे और ये जो दो बॉडीज़ हैं इनको क्लीनिंग की ज़रूरत है जिसे हम अभी कर देंगे क्लीन। इसकी जो बाहर की बॉडी उसको मैं फिर से अच्छे से क्लीन करूँगा पूरा रोबोट जब हम फिर से असेंबल करेंगे उस वक्त। अभी सारी क्लीनिंग हम करेंगे इंटरनली। ऑलराइट, इस लेग को अब हम फिर से असेंबल कर देते हैं। और जब भी आप ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स टॉय या जो भी कोई भी मशीनरी आप जब भी ओपन करते हो तो इसे ओपन करने के बाद आप ज़रूर एक उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना ताकि आपको ये गियरिंग हो या कोई भी वायरिंग्स होती है तो उनकी मैकेनिज़्म अच्छे से पता चलती है। या फिर आपको एक स्टार्ट पॉइंट हमेशा मिलता है जहाँ से जो जिस कंडीशन में आपने इसे खोला था वैसे ही आप इसे फिर से रीअसेंबल भी कर सको। ये सारे गियर्स लग गए तो अब हम इस सेकेंड लेग को ओपन करेंगे। और ओपन करने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि ये जो लेग है ये बिल्कुल क्लोज्ड लेग है जिसके अंदर कोई गियर्स नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। सारा मैकेनिज्म जो है सिर्फ एक साइड के लेग में है और यही जो लेग है वो इस मशीन के साथ एंगेज होके इस पूरे रोबोट को मूवमेंट दिलाता है। और एक और चीज़ है कि अगर इसके अंदर कोई गियर्स ही नहीं है तो ये जो नीचे वाली कैप है इस कैप को हम निकाल के फिक्स करेंगे इस लेग में फिर से ताकि इसके अंदर जो भी सारे गियर्स है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और इस कैप की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है जब कैप। तो जैसे ये लेग पूरा क्लोज्ड ही था तो इसे क्लीनिंग की वैसे कोई अंदर से ज़रूरत तो नहीं है लेकिन इसके सिर्फ व्हील्स को हमें क्लीन करना पड़ेगा। कैप को हम फिर इस लेग में फिर से फिक्स कर देंगे और इसे अब करते हैं क्लोज। ओके, तो ये लेग अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसे भी रख देते हैं साइड में। अब हम आते हैं इस मेन बॉडी की तरफ
इसमें काफ़ी कुछ है हमें ओपन करने के लिए। और ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके हैंड्स से। इनके अंदर जो LEDs है पहले हम उसको सेपरेट कर देंगे और इन हैंड्स को फिर साइड में हम रख सकते हैं अच्छे से। ये प्लेट इस पूरे मशीन के ऊपर स्लाइड होती है ऊपर नीचे। ये इस रोबो का स्पीकर है जो एक्चुअली यहाँ नीचे लगा हुआ था, वो भी मिसप्लेस हो गया है। ये ऊपर का जो ये फैन है, इसे निकालने के लिए हमें पहले पूरा ये पूरी असेंबली ओपन करनी ही पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये ऊपर का फैन वैसे सिर्फ इन दो स्क्रूज पे ही टिका हुआ था। काफी यूनिक सा मैकेनिज्म है इसके अंदर। और इसके अंदर जो LED लाइट्स हैं उन्हें आप ओपन करते हैं। वैसे ये यूनिट पूरा टूटा हुआ है जैसे आप देख रहे हो, इसे काफी संभल के निकालना पड़ेगा। आई होप ये और ज्यादा ब्रेक ना हो। इसके अंदर का ये जो ब्लैक पार्ट है वो भी बिल्कुल ही टूटा हुआ लग रहा है। तो ये है इसकी LED लाइट्स की स्ट्रिप जो इस फैन के अंदर थी। और हम एक बार कोशिश करते हैं इसे एक्सटर्नल पावर यूनिट से चला के देखते हैं, अगर ये टर्न ऑन होती है प्रॉपरली तो हम फिर इसे इस सारे स्प्रिंग्स कनेक्शंस जो है इसको क्लीन अप करेंगे। और आई होप इसके बाद ये प्रॉपरली वर्क करने लगे। सो लेट्स ट्राई। तो गाइस, मेरे पास ये एक बैटरी होल्डर है जिसमें कुछ दो बटन सेल बैटरीज हैं कुछ इस तरीके की, और इसके थ्रू अब हम चेक कर सकते हैं क्या ये लाइट वर्क कर रही है या नहीं। सो लेट्स ट्राई। और ये लाइट्स वर्क कर रही है, दैट्स अ गुड पार्ट। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है और फिर हम इसकी असेंबली के लिए फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और असेंबली करने से पहले हम एक बार इसे फिर से क्लीन कर देंगे। और इसे ओपन करते वक्त हमने देखा था इसके सारे पार्ट्स बिल्कुल टूटे फूटे थे, तो मैं फिर से इसे असेंबल करते हुए कोशिश करूँगा इसे फिर से अच्छे से स्टिक करके, किसी अच्छे ग्लू से इसे स्टिक कर देंगे और कोशिश करते हैं कि बिल्कुल पहले जैसे कंडीशन में था वैसा ही दिखने लगे। ओके, और इसे ओपन करने के बाद मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें दिखी थी वैसा कि ये जो दो स्ट्रिप्स दिख रही है यहाँ पर, तो ये एक्चुअली है एक लेज़र लाइट जो आपको पता होगा बचपन में, या एक LED पेन जैसी एक लेज़र लाइट आती थी जो पेन के अंदर होती थी, या तो एक छोटा सा पेन जैसा एक टॉय होता था जिसके अंदर वो लेज़र लाइट लगी होती थी। तो बिल्कुल वही वाली लेज़र लाइट इस टॉय के अंदर भी है। और वैसे पता नहीं है कि क्या करती है, बट मैंने इसे कोशिश की थी स्टार्ट करने की लेकिन ये बिल्कुल ऑन हुई नहीं, और मुझे लग रहा है अपेरेंटली ये ख़राब हुई है इसीलिए ये कभी ऑन हुई ही नहीं फिर।
और वैसे ये लेजर लाइट थी इस ब्लैक पार्ट के अंदर, और ओके तो वैसे भी हम इसे असेंबल करते वक्त ये जैसे इस ब्लैक पार्ट के अंदर फिक्स थी उसी तरीके से हम इसे फिर से लगा देंगे। और लेट्स होप कि इसे अच्छे से फिर से प्लेस करने के बाद शायद ये लाइट चलने लग जाए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अब दोनों भी पार्ट्स को मैंने अच्छे से ग्लू लगा के इनको पहले जैसे रिस्टोर किया है, जैसे ये पहले दिख रहे थे वैसे ही अब दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब ये ज़्यादा क्लीन भी है और ज़्यादा प्रॉपरली फिक्स्ड है। तो अब और इन जो ये सारे सर्किट्स हैं और बाकी पार्ट्स भी थे, इनको भी फिर से मैंने असेंबल कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा आखिरी काम बचता है, इसे फिर से फिक्स करके इसके स्क्रूज वापस लगा देंगे हम, और फिर हमारा ये पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। और इसकी लाइट्स भी अच्छे से वर्क कर रही है। सो फाइनली अब टाइम हुआ है इस मेन असेंबली को ओपन करने का, और इसे ओपन करने के लिए यहाँ पर जो भी सामने स्क्रूज थे उन्हें हमने पहले ही निकाल दिया है, और अब आखिरी काम बचा है कि इस मोटर को और जो भी ये सर्किट इसके ऊपर लगा हुआ है हम इसे भी साइड में कर देंगे इसे अनस्क्रू करके, और उसके बाद हम ये पूरी असेंबली को अच्छे से ओपन करके देख पाएंगे इसके अंदर क्या क्या है। ये सर्किट जो है ये सिर्फ एक स्क्रू से फिक्स था, और इस मोटर को भी साइड में कर देंगे। तो इस असेंबली को अलग करने के बाद अब इस पार्ट में बाकी कुछ भी बचा नहीं है, अब जो भी बचा है वो सिर्फ सर्किट से और इसके वायरिंग्स वगैरह है जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। तो ये जो असेंबली है पूरी, ये इस पूरे रोबोट को ऑपरेट करती है, और इसके साइड में जो आपको एक गियर दिख रहा है, ये गियर जो है ये इस एक लेग में, इसमें भी एक ओपनिंग जो है ऊपर लेग में जिसमें ये गियर एंगेज होके फिर इस लेग को ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हम इसे कैसे ओपन करेंगे, काफ़ी संभाल के ओपन करना पड़ेगा हमें इसे। तो अब हमने इस रोबोट के सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं। ये जो व्हील है ये रोबोट के सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो जैसे ही ये रोबोट के लेग्स ऊपर जाते हैं तो ये पूरा रोबोट इस व्हील के ऊपर स्टैंड हो जाता है, और तो इस गियरिंग की वजह से ये पूरा रोबोट ऑपरेट होता है, टर्न होता है अपने जगह पे। इस रोबोट में पावर जनरेट होने के लिए सिर्फ एक यही छोटी सी मोटर है जो पूरे रोबोट को ये रोबोट के मशीन को पूरा ऑपरेट करती है, और इतने बड़े रोबोट को इतनी सी मोटर सिर्फ ऑपरेट करती है सिर्फ इन गियर्स की वजह से। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ से गियर्स छोटे, एक छोटा गियर है उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये गियर्स हैं, तो इसके वजह से इस रोबो के अंदर जो मोटर की पावर होती है वो हर एक गियर रेशो के साथ चेंज होती है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा टॉर्क गियर को मिलता है जिससे इतना बड़ा रोबोट ऑपरेट हो जाता है। ओके, तो हम इसे करीब से देखते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो गियर है ये इस फैन को रोटेट करने के लिए दिया हुआ है। सो इन दोनों पार्ट्स को अब अच्छे से हमने देख लिया है, और जैसे आप देख रहे हो कि इन दोनों भी पार्ट्स बिल्कुल क्लीन है क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से टाइट थे या बिल्कुल अच्छे से क्लोज्ड थे, और इनमें किसी भी तरह की धूल मिट्टी जाने की वैसे कोई गुंजाइश नहीं है। ऑलराइट, तो अब हम इसे फिर से असेंबल कर देते हैं। प्रॉपरली फिक्स हो चुका है।
तो एक बार बस हम इसे अब एक्सटर्नली क्लीन कर देंगे, और क्लीन करने के बाद हम इसे रोबोट को फिर से असेंबल करना स्टार्ट कर देंगे। ये पार्ट अंदर से काफी खराब है, तो हम इसे भी अच्छे से अब क्लीन कर देते हैं। तो इसके अब ये एक साइड हमने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दी है, और अब हम इसका फिर से असेंबली के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मैंने ये स्पीकर को उसकी जगह पर फिक्स कर दिया है। तो दूसरी चीज़ है ये इसकी मेन मशीनरी। इसे लगाने से पहले मैं एक चीज़ भूल गया, हमें पहले इसे भी तो लगाना है इसके अंदर। वेरी गुड। ऑल राइट, ये मशीन अपने प्लेस पे आ चुका है। उसके बाद है इस मोटर को अपनी जगह पे जाना, और सर्किट को अब हम कर सकते हैं प्लस। सर्किट लग गया है अपनी जगह पर। अब नेक्स्ट टास्क है इसका फैन फिट करने का। तो अब इस फैन को लगाते वक्त हमें ये इंश्योर करना होगा कि इसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वही हम एग्जैक्टली कनेक्ट करें, ये इस इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ। तो इसे प्लेस कर देते हैं अंदर। तो ये फैन यहाँ पर लग चुका है। अब दूसरा काम है इन टर्मिनल्स को फिक्स करना, और जैसे कि हमें पता था कि इसका जो है ऊपर वाला स्प्रिंग है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नीचे वाला जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, या फिर ये अंदर जो एक रॉड जैसे दिख रहे हैं वो एक नेगेटिव टर्मिनल है। और इस सर्किट में हमें ये पता है कि ये जो रेड वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये येलो जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। मुझे लगता है हमें पहले इन स्क्रूज को फिक्स कर देना चाहिए ताकि ये पूरी मशीन जो है वो वापस अपनी जगह से ना हिले। तो अब हमने इस मशीन को इस पूरे पार्ट के साथ अच्छे से फिक्स कर दिया है, फिर से सारे स्क्रूज हमने ये लगा दिए हैं। अभी हम लगाते हैं ये ऊपर वाले फैन को। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमने लगा दिया है, और दूसरा ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये इस तरीके से यहाँ पर लगेगा। और इन दोनों टर्मिनल्स को प्लेस करने के लिए यहाँ पर जो है इसका होल्डर है, इसे हम फिर से लगा देंगे। तो ये अब अच्छे से पैक हो चुके हैं, और इस होल्डर के ऊपर ये एक LED लाइट लगा था, तो उसे भी हम फिर से प्लेस कर देंगे। लाइट भी अपनी जगह लग चुकी है। अब नेक्स्ट टास्क है इस मोटर के ऊपर जो इसकी होल्डिंग कैप थी वो आप लगा देंगे। इसके बाद अब हमारा टास्क ये है कि आप ये दो वायर देख रहे हो जो ओपन वायर्स है। सो जब मुझे रोबो मिला था तो ये वायर्स एक्चुअली इसी कंडीशन में थी, और ये वायर्स जो है ये इस रोबोट के ये जो आर्म्स है इसके अंदर LED कनेक्शन के साथ लगी हुई थी। लेकिन जब मुझे रोबो मिला तो तब ये LED लाइट्स तो इसमें नहीं थी। तो अभी हम इसमें एक नया LED लाइट फिक्स करेंगे, और मैं आपको लाइट दिखाता हूँ कैसी होगी वो। तो जो मेरे पास LED लाइट है वो ये है, और लकीली इस LED लाइट का साइज़ जो है ये छोटा साइज़ है,
तो ये दूसरे आम की एलईडी लाइट कुछ इस तरीके से है, तो ये दोनों भी बिल्कुल सिमिलर साइज़ की एलईडीज़ हैं, और इसकी साइज़ छोटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक कन्वेंशनल एलईडी को देखें तो उन दोनों की साइज़ अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग साइज़ होती है। तो एक रेगुलर एलईडी जो हम देखते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये एलईडी जो है ये लकीली मुझे अपने पास मिला है, काफ़ी ये छोटा साइज़ का एलईडी है। बस इसमें एक ही चेंज है कि इसमें रोबोट टॉय में जो लगे हुई एलईडी है वो ब्लू एंड रेड कलर की एलईडी है, जो एक मल्टी कलर एलईडी है, और मेरे पास जो एलईडी है वो एक सिंगल कलर ऑरेंज कलर की एलईडी है। लेकिन मुझे लगता है ये रोबोट टॉय में ऑलरेडी काफ़ी तरह के कलर्स के एलईडीज़ हैं, और इसमें ऑरेंज कलर की कमी थी तो मुझे लगता है हम इसे भी अब पूरा कर देंगे। तो ऑलराइट, तो अब इस एलईडी को हम सोल्डर करते हैं इन दोनों वायर्स से, और उसके बाद फिर हम आगे की असेंबली को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हमने इस एलईडी लाइट को सोल्डर कर दिया है, तो इसके बाद अब हम ये सारी एलईडी लाइट्स जो हैं इन्हें उनके रिस्पेक्टिव जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये दोनों जो एलईडी लाइट्स हैं ये लेफ्ट और राइट आर्म्स में जाएगी, और ये जो बीच में एक एलईडी लाइट है बड़ी वाली, ये इस ब्लैक पार्ट के अंदर यहाँ पर फिक्स होगी। सो अब हम फाइनल असेंबली के लिए वैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये सारी बॉडी जो है आउटर एक्सटर्नली इसे सब क्लीन कर देंगे, ताकि क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ख़राब है, और हमने सारी बॉडीज़ को वैसे अंदर से क्लीन किया था लेकिन हमने बाहर से उन्हें क्लीन नहीं किया है, तो अभी हम उसे थोरली क्लीन कर देंगे और उसके बाद हम हमारी फाइनल असेंबली के लिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब ये सारे पार्ट्स क्लीन हो चुके हैं और हमारा अब आखिरी काम बचता है कि इन सारे पार्ट्स को अब असेंबल कर देना। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं, इन आर्म्स को फिक्स करेंगे इस बॉडी के अंदर। सो गाइस, हमने अब ये आर्म्स को फिक्स कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इस ब्लैक पार्ट को इसके ऊपर फिक्स करना है, लेकिन इसके पहले हमें इन दोनों लेग्स को भी फिक्स करना होगा, क्योंकि ये ब्लैक पार्ट जो है इन दोनों लेग्स को सपोर्ट देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेग्स। अब इस ब्लैक कैप को लगाएंगे, और ये ब्लैक कैप जो है ये आर्म्स में भी अटैच होगी इन स्प्रिंग्स के जरिए। सो गाइस, इस कैप के सारे स्क्रूज को हमने अब फिक्स कर दिया है, और इसी के साथ अब हम लगाएंगे ये एलईडी लाइट अपनी जगह पर, और इसे लगाने के साथ ही अब हमारा आखिरी काम बचा है बिल्कुल, के इस रोबोट टॉय का जो ऊपर का कवर है इसे लगाना, और इसे लगाते ही हम फाइनली रेडी हो जाएंगे इस रोबोट को स्टार्ट करने के लिए। और इस कैप को लगाने से पहले मैं आखिरी बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रोबोट कैसे दिख रहा है अंदर से। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। सो गाइस, आप देख रहे हो काफी सुंदर दिख रहा है इस कैप के बिना भी, और अब ये बिल्कुल काफ़ी क्लीन हो चुका है, और इसका रिस्टोरेशन जो हमें करना था, हमें इसको क्लीन करना था, इसके इश्यूज सॉल्व करने थे, वो अब सब हमने आई होपफुली कर दिए हैं, और इसे स्टार्ट करने के लिए अब मैं वेट नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट द फाइनल असेंबली।
इसका फैन वैसे टूटा हुआ था, लेकिन हमने इसको काफी अच्छे तरीके से इसको ग्लू किया है। और अब देखते हैं इसे स्टार्ट करके फाइनली। बैटरी कैप लगा देते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो ये रोबो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। Thank you.